सरोकार। राज्यसभा में दी गई लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि, वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश। देश में आज कोरोना के 83,876 नए केस आए सामने, 895 लोगों की मौत। पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम की आज हरिद्वार से होगी शुरुआत, भरेंगे चुनावी हुंकार। कांग्रेस ने अंतिम हफ्ते में प्रचार में झोंके स्टार प्रचारक, देवभूमि में गरजेंगे सचिन पायलट समेत कई दिग्गज। 1 से 9 तक की कक्षाएं शुरू, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए खुले स्कूल। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में अब गिनती के दिन बचे हैं। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी को मैदान में उतार दिया है। पीएम मोदी यूपी के बाद अब उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज वर्चुअल रैली के जरिए हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगे। इसके साथ ही वो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में भी वर्चुअल रैली करेंगे। बता दें कि हालांकि पिछले दिनों पीएम मोदी की वर्चुअल रैली होनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर है। रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तरकाशी, सहसपुर और डोईवाला में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। जेपी नड्डा ने उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट रोप के लिए खास प्रावधान रखा है, इससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों को बड़ा लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में 3 रोपवे का काम चल रहा है। रोपवे योजना पर्यटन, तीर्थ स्थल और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सिरखू ब्लॉक के कई गांवों में जनसंपर्क किया। वहीं इस जनसंपर्क के दौरान गांव-गांव में लोगों ने डॉक्टर रावत का भव्य स्वागत किया। वहीं क्षेत्र में मिल रही अपार जन समर्थन पर डॉक्टर रावत ने स्थानीय लोगों का आभार जताया और उन्होंने लोगों से राज्य में दोबारा भाजपा सरकार बनाने की बात कही। खबर कलियर से है, जहां बाजूहेड़ी से जहां भाजपा प्रत्याशी मुनीश कुमार सैनी है डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मुनीश कुमार सैनी ने सभी क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 14 फरवरी को कमल खिलाने का काम करें। वहीं इस कैंपेन के दौरान कई ग्रामीणों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। तो क्लियर से खबर है, जहां पे जनता से आशीर्वाद मांगते हुए नजर आए हैं और साथ ही जिताने की बात भी कही है। भाजपा प्रत्याशी ने डोर टू डोर कैंपेन किया और 14 तारीख को यानी 14 फरवरी को जब चुनाव है तो उसे कमल खिलाने की बात कही है। डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है, लगातार लोगों के बीच, ग्रामीणों के बीच भाजपा के कई प्रत्याशी जा रहे हैं, स्टार प्रचारक जा रहे हैं और उनसे संवाद कर चुनाव में जिताने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले मेरे निवास पर आप समझिए कि बहुत भारी संख्या में बाजूड़ी गांव के प्रत्येक समाज के व्यक्तियों ने, हर वर्ग के व्यक्ति ने भाई साहब का जोरदार तरीके से स्वागत किया और सभी ने भाई साहब को पूर्ण आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि जैसा कि पूर्व हुआ थी, बाजूड़ी गांव कलियर विधानसभा का नंबर 1 गांव है जहां से भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक वोट मिलती है। तो सभी ने विश्वास ये दिलाया कि उसमें और वृद्धि करके हरिद्वार के झबरेड़ा गांव
पाडली गेंदा में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र जाति ने जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल, सड़कों और किसानों को समय से भुगतान करने की जनता से वादा किया। उत्तराखंड के सभी सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 9वीं तक पढ़ाई के लिए आज से स्कूल खुल गए हैं, जिसके बाद स्कूल में बच्चे पहुंचने से काफी वक्त बाद इसका स्कूलों में चहल पहल देखने को मिली, जबकि विद्यालयों में पढ़ाई हाइब्रिड मोड में यानी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी कराई जाएगी। बोर्डिंग विद्यालयों में आवासीय परिसर में रहने वाले शिक्षकों और अन्य कर्मिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र और अधिकतम 48 घंटे से पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। कोटद्वार में भाजपा प्रत्याशी ऋतु भूषण खंडूरी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि ऋतु जी के पक्ष में भीड़ को देखते हुए 2005 का चुनाव याद दिला दिया है। वहीं राज्यसभा सांसद ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बारे में कहा कि वीसी खंडूरी की तरह ऋतु खंडूरी ऊर्जावान नेता है। कोटद्वार को दो निधि मिलेंगी, एक राज्यसभा की ओर से, दूसरी विधायक निधि की है। चुनाव जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें स्पष्टता से दिख रहा है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उत्तराखंड की जनता ने यह तय कर लिया है कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने तय कर लिया कि विकास की यही गति चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने यह भी तय कर लिया है कि अगला दशक उत्तराखंड का हो। इसके पूरी ताकत के साथ उत्तराखंड में सारे लोगों ने तय किया कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मोदी जी और धामी जी के नेतृत्व में हम सब उत्तराखंड के अंदर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ इस समय जनता के द्वार पहुंचकर वोट के लिए अपील कर रहे हैं। जहां खानपुर विधानसभा को त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, वहीं आरजेपी के प्रत्याशी मुनेश कुमार ने सभी राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। इस समय जीजान से क्षेत्र की जनता के पास पहुंचकर वो वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। वहीं उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपने बीच का स्थानीय प्रत्याशी चुनने के लिए कहा और इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है खानपुर विधानसभा 32 से आरजेडी के भावी उम्मीदवार मुनेश कुमार जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच उतरे हैं? मेरे मुद्दे बहुत हैं, मैं यहाँ का स्थानीय व्यक्ति हूँ तो मुझे सब पता है कि मेरे क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। तो विकास तो कुछ हुआ नहीं है, खाली लॉलीपॉप दिया गया है आज तक, तो उस लॉलीपॉप को हटाना है। और अगर हमारी जनता ने हमको प्यार दिया तो हमको स्थायी काम करवाने हैं, रोजगार का काम करवाना है, जो आज तक जो है 15-20 साल से जो है नहीं हुआ। केवल एक फैक्ट्री हमारी खेड़ी मुबारकपुर के गांव में जेके टायर लगी थी, बिरला टायर पहले उसका नाम था, केवल वही रोजगार के रूप में है। और बाकी जो है हमारे बच्चे जो है टायरों में ट्यूब डाल के फिर रहे हैं 6-6 हज़ार में। तो वो हम चाहेंगे कि सिड़कुल की स्थापना करवाएं और मेडिकल की जो बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में, मेडिकल की सुविधा देहरादून, मुजफ्फरनगर या रुड़की में भी कोई खास नहीं है। तो मैं चाहूँगा एक बड़ा हॉस्पिटल हमारे खानपुर विधानसभा में बनाया जाए और उसके लिए मैं, अगर मुझे जनता ने प्यार दिया तो अपनी विधानसभा में जाकर भरसक प्रयास करके बनवाएंगे, ही बनवाएंगे। जैसा कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, आपको जनता का कैसा प्यार मिल रहा है और आप जीत के बारे में क्या कहेंगे? जनता का ये है कि अगर मैं 100 घर में जाता हूँ तो 100 में से 95 जो घर हैं वो कहते हैं कि इस बार हमारा घर का भाई आ गया है, अब हम बाहर को वोट नहीं देंगे। तो ये थे हमारे साथ खानपुर विधानसभा 32 से भावी उम्मीदवार मुनेश कुमार जी, जो कि अपनी जीत का प्रबल दावा करते हैं स्थानीय नागरिक होने की वजह से। लक्षण से प्राइम टीवी के लिए रजनीश सैनी की रिपोर्ट। कलियर विधानसभा के ग्राम माजरी में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। सैनी समाज के लोगों ने कांग्रेस का हाथ थामा। सैनी समाज के लोगों ने विधायक फुरकान अहमद के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस बीच लोगों ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस का परचम लहराएगा। वहीं भाजपा कार्यकर्ता रविकांत सैनी ने कलियर भाजपा मंडल अध्यक्ष पर आरोप लगाया है। वहीं कलियर विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया
जाता है। उनके कार्यकाल में कलियर विधानसभा में एक समान रूप से सभी वर्गों का समुचित विकास कार्य किए गए हैं। और आश्वासन दिया कि अब जो आपको पहले वोट मिलते थे उससे कई गुना ज़्यादा गुम्मा वाला माजिर से वोट मिलेंगे, और मुझे उम्मीद भी है क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे बुजुर्ग हमारे नौजवान साथी बैठे हैं और सब ने एक राय दिया कि आप लोगों ने हमारे क्षेत्र में हमारे गांव में काम किया, इसलिए हम आपका समर्थन करते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट इस गुमाला माजी से कांग्रेस को दिलाएंगे। हाँ, ये तो भाजपा के हैं, भाजपा को ही वोट देंगे, भाजपा चाहे कुछ करे ना करे, कोई विकास कार्य करे ना करे, पर हमें भाजपा को ही वोट देना था, ये मेरे से जुड़ा हुआ था। अच्छा, पिछले हम अगर 5 साल की बात करें, हमसे कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार है, विकास करेगी। डबल इंजन की सरकार के होते हुए गाँव में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ, अपितु सरकारी स्कूल की जमीनों पर। रुड़की में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा ने कई कार्यकर्ताओं के साथ व्यापारियों से जनसंपर्क किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता वेलटेक वल्लभ ने भाजपा प्रत्याशी का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। वहीं वेद टेक वल्लभ ने कहा कि भाजपा का नारा कामयाब होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप बत्रा जी द्वारा आज नगर में भ्रमण करते हुए इधर हमारे बाजार में अनाज मंडी और पहाड़ी बाजार सोत मोहल्ले में उनका भ्रमण हुआ, मच्छी मोहल्ले में तक भ्रमण हुआ और हमारे प्रतिष्ठान पर भी पधारे, हमने उनका स्वागत किया। हमने उन्हें समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देते हुए समर्थन दे दिया था उनको, और अब हम उनके साथ कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर आज हमारे प्रतिष्ठान पर उनका स्वागत किया गया है। और मैं समझता हूँ कि बाज़ार में जिस तरह के उनको वातावरण मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो सभी सर्व समाज का उन्हें समर्थन मिल रहा है, जिसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो मिशन 2022 है वो 60 का लक्ष्य है भाजपा का, 60 सीटें पूरी आने वाली हैं। और रुड़की के भी अपने प्रत्याशी प्रदीप बत्रा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।